मोटरसाइकिल और कार में थे गोली चलाने वाले। दिन दहाड़े गोली चलने की घटना से सनाका खींचा। घटना गुप्ता पेट्रोल पंप के सामने की। घटना स्थल पर लगा खोखो का अंबार। रीवा की मुख्य सड़क, जिसे हम आप नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं, काले चौराहे के समीप गुप्ता पेट्रोल पंप के सामने घटी घटना से काले चौराहे के आसपास दहशत का माहौल बन गया। हम आपको बता दें, सोमवार को दोपहर 4 बजे के आसपास सब कुछ सामान्य दिनों की तरह घट रहा था। तभी काले चौराहे की तरफ से पल्सर मोटरसाइकिल और सफेद रंग की कार पुराने बस स्टैंड की ओर बढ़े। थोड़ा आगे जाने पर गुप्ता पेट्रोल पंप के ठीक सामने पल्सर मोटरसाइकिल ने सफेद रंग की कार को ओवरटेक किया। कार में सवार लोग कार से उतर ही रहे थे, तभी पल्सर मोटरसाइकिल चालक ने हाथ में रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। कार में सवार लोगों की ओर से भी फायर का जवाब फायर से दिया गया। इस दौरान दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई। घटना स्थल पर खोखो का अंबार लग गया। कई जगह फायर के निशान दिखाई पड़ रहे थे, साथ ही सड़क पर बिखरा खून भी कुछ कह रहा था। सारा वाक्या 2-3 मिनट में घट गया। इस पूरी घटना को देखने वालों ने कुछ इस अंदाज में रीवा दर्शन को बताया। सफेद गाड़ी खड़ी है, बाइक खड़ी है, वो जो फायरिंग शुरू हुई है, अब इतनी आदमी कहाँ देख रहा है। अरे बहुत लक्का चली है, यानी पिक्चर जैसे चलत नहीं। हाँ, एक जने के हाथ में लगी, एक फोर व्हीलर आई, वो जैसे उतरे एक मोटरसाइकिल में आए, जैसे वो खड़े हुए तो दोनों चलाने लगे, दोनों पक्ष से। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि गोली चलने की घटना के दौरान पल्सर मोटरसाइकिल स्टार्ट रही। महज पूरी वारदात घटने में 2-3 मिनट का समय लगा होगा। देखने वालों का कहना था, ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई फिल्म देख रहे हों। सरेराह गोली चलना वह भी थाने से चंद कदम की दूरी पर दर्शाता है पुलिस का खौफ अपराधियों पर नहीं रहा। हम आपको बता दें, जिस जगह गोली चली वहीं से कुछ कदम की दूरी पर TRS कॉलेज है, जहाँ कुछ दिनों पूर्व भी एक छात्र की हत्या हुई थी। हम लोग आ रहे थे प्लाजा साइड से, तो यहाँ पे गुप्ता पेट्रोल टैंक के सामने कार अपनी मतलब जैसे ही रोके, तो उसके 1-2 मिनट बाद बाइक से आए पल्सर ब्लैक कलर की, और उतर के मतलब पहले चढ़े फायरिंग करने लगे। तो मैं सामने खड़ा था तो मेरे लग गई, और फिर उतर के भैया के ऊपर गोली चलाने लगा, सच्चे भैया के ऊपर। जहाँ तक पता मतलब देखा हूँ, जहाँ तक गैस मतलब, क्योंकि हेलमेट लगाया हुआ था, इस मोंटी सिंह था आगे जो गाड़ी चला रहा था। कितने लोग रहे होंगे, मैं अब चार ध्यान नहीं दे पाया जब गोली लगी उसके। कितने राउंड चलाए हैं? गोली तो बहुत राउंड चलाए हैं। आपको लगी और किसको किसको लगी गोली? मुझे लगी और संजय भैया को। कौन थी? संजय द्विवेदी, संजय भी अंदर है।
फायर स्मॉन्टी था गाड़ी को चला रहा था, उसने फिर बाद में फायर किया। पहले एक गाड़ियाँ चार सूचना मिली थी कि दो लोग जो है उसमें घायल हुए हैं घटना में, जो गोलीबारी की घटना हुई है महाराजा होटल के पास में। एक का नाम है हिमांशु, दूसरे का नाम है संजय। अब उनकी रिपोर्ट के आधार पर विवेचना करके कार्रवाई की जाएगी। क्या कारण था, सब कुछ आया, कितने राउंड गोली चली, क्या हुआ? अभी तक प्रारंभिक जाँच में अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया। अभी जैसे ही और बाकी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर। घटनास्थल पर गोली के खोखे वगैरह मिले? घटनास्थल पर गोलियों के खोखे मिले हैं। कितने? अभी इसके बारे में जानकारी पूरी एकत्रित करने के बाद ही पूरी जानकारी दी जाएगी। घायलों का कहना कि मोंटी सिंह का नाम आया कि था, जब साथी अपराधी है, फरार है लंबे समय से। इसके पहले भी जो घायल है, कोर्ट में हमला हुआ था इसके ऊपर। अब ये है, जैसे ही उनके रिपोर्ट के आधार पर एफ आई आर करके, अब ये तो विवेचना के आधार पर पता चलेगा कि एक्चुअल में किसने चलाई थी।